बोलना? नहीं, आप अपनी ग्रेजुएट सब लगाए। हाँ अच्छा। इतना नहीं सीरियस होके बैठना। ये सीरियस कैमरा खुला है और हम सीरियस हो गए ना। ये सीरियस लग रहे हैं। कैमरा खुलते ही सीरियस क्यों? ऐसे कौन सीरियस बैठता है? इतना सीरियस तो नहीं मैंने कहा था। नहीं नहीं, ये आपको सीरियस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप थाईलैंड गए, कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे? क्या क्या बंदा रिक्शे पे है हो, मछली बेच रहा हो, या कोई भी स्पोर्ट्स की शॉप पे हो, या किसी भी शॉप पे हो, तो वो बूम बूम की सलाह जरूर लगाता है। क्या दिल पिला है? बूम बूम से शायद अफरीदी, शायद अफरीदी की फैन बोलेंगे ज्यादा। बूम बूम शायद अफरीदी। राजा भाई कैसी बताए भाई आप? ये हमारे लिए तो देखें, नादिर भाई तो उस्ताद हैं और सो मच टू लर्न, और हम इनके फैन हैं। बता भी साहब, मैं अक्सर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उस्ताद है, ये हमारे उस्ताद है। हाँ दादा उस्ताद भाई, बता भी साहब दादा उस्ताद है, इसमें कोई शक नहीं, और हर बंदा ये कहता है। और जो नादिर भाई का प्रैंक्स का था, जो इनका भी पॉडकास्ट है भाई, क्या बात है, क्या बात है। हमारे पायनियर है अपने काम में, और आपने बड़े ट्रेंड सेट किए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत पहले से बता चुका हूँ सालों पहले, और जब भी मिलता हूँ आपको बताता हूँ। ये वाला पोर्शन तो काट लूंगा, ये हकीकत है। ये लोग वो हैं जिनको देखा जाए, और आज जितने भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं ना, वो देखें किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से सुना जाता है। अच्छा माशाल्लाह, नादिर भाई ने घर बनाया बिल्कुल ये नजदीक है डिफेंस से। हम लोग आए हैं, 2500 का पेट्रोल लगा है, जाने में 2500 का पेट्रोल लगेगा यार। ये बंदे ने मुझे 10 दफा गिला दे दिया, मैं कहा हूँ मुझे बता, अगला जहाँ घर हो वहाँ। और वजह क्या बताइए? कहते हैं भाई कराची शुरू यहाँ से होता है। मैं सोचू, मैंने कहा शायद ये पुराना घर। कहते नहीं, जो भी टोल से आता है ना इस्लामाबाद से, भाई इस्लामाबाद से होते हुए आए। तो आपको भी लोकेशन भेजी थी ना, तो मैंने कहा था कि 1 घंटे की दूरी पे, कहते आपको ना बताएं क्योंकि फिर आप आए। यार आप ये देखिए, बादामी साहब भी आए, बादामी साहब ने एक भी गिला नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। कोई ऐसा भी क्या बात है, मोहब्बत मोहब्बतों का तकाजा है कि फिर महबूब के पास जा रहे तो दूरी कहाँ देखी जाती है, देख ले। ठीक है बादामी साहब, आपने कौन सा आबे हयात किया हुआ है माशाल्लाह, क्या इतनी लंबी देर टीवी पे, मतलब माशाल्लाह इतना स्टैमिना, मतलब टीवी पे थ्रू आउट कम होता है वैसे। भी नहीं यार, आप भी तो थक ही जाते होंगे अदामी साहब। मैं 16-16 घंटे 18-18 घंटे जब भी टीवी लोग ही जो लोग हैं ना इनकी दुआओं की वजह से। अरे माशाल्लाह, क्या औकात ही नहीं हमारी मंदी। अच्छा वैसे वर्ल्ड कप देखा, फुटबॉल का मैच देखा, सऊदी अरब अर्जेंटीना? मैंने देखा। आप खुशी हुई सऊदी अरब? हाय सऊदी अरब मैच जीता, आपको सऊदी अरब जीतने की खुशी हुई या अर्जेंटीना ने? सऊदी अरब की क्यों? क्योंकि वहां पे खाना कब है, इस वजह से सऊदी अरब से वैसे हम यहाँ की करते थे। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात ये है ना। तो ये आपका है वीलॉग, तो आपको सवाल करें ना। मैं सवाल आपका, अब तक का आप जो भी आपने करियर किया 12 साल में प्रैंक स्टार से, उसके बाद अब आप पॉडकास्ट की तरफ आए, तो कितना डिफरेंस लग रहा है, क्या फील हो रहा है, एक नया तजर्बा, एक नया एक्सपेरिमेंट? नादिर बेचारा मेरे मोसेस बन गए। बताए आपने का सवाल मुझे, मैंने पूछ लिया सवाल के दौरान मोसेस बन गए, एंगल लिया करने। मैं समझता हूँ कि कोशिश करना इंसान के हाथ में, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आपका पॉडकास्ट का फेवरेट गेस्ट? यार पॉडकास्ट का फेवरेट गेस्ट, हाँ जी, रूसा खान के चैनल पे आज बहुत बड़ी खबर जा रही है जी, उवैस कादरी। हाँ क्या बात है, जो वजह ये है उन्होंने सारे सवाल के जवाब दिए। वाह वाह, उन्होंने कंटेंट में इन्वॉल्व नहीं हुए ना, रोका टोका। अच्छा, और कोई ऐसा गेस्ट जो आपको लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए? लहू गेस्ट यार, बस यार खत्म क्यों नहीं हो रहा प्रोग्राम? मैं समझता हूँ खलील साहब, ये रहमान कमर दादा साहब कह रहे हैं। मजा ये है कि नहीं नहीं खलील साहब अगर देख रहे हैं तो आई लव यू, लेकिन बस मैं ये कह रहा था कि जल्दी खत्म हो पॉडकास्ट खत्म। अच्छा मैं सवाल करूंगी वसीम।